सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। अलग तरह के किरदारों से लोगों के दिलों में धाक जमाने वाले एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 19 साल पहले अपने करियर की शुरुआत आमिर खान की फिल्म सरफरोश से की थी। इस फिल्म में नवाज ने एक छोटा सा रोल निभाया था। हालांकि उन्हें पहचान अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से मिली। उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। मेरे पिता एक किसान थे, इसमें घर का खर्च भी पूरा नहीं पड़ पाता था, इसलिए मैंने छोटी उम्र में ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन छोटे से कस्बे में कुछ बड़ा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं दिल्ली आ गया। खर्चा पानी चलाने के लिए चौकीदार की नौकरी भी की, लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। उन दिनों मेरे पास रहने को घर नहीं था, इसलिए मैंने अपने सीनियर से कहा कि वो मुझे अपने साथ रख ले, और इसके बाद बहुत मेहनत के बाद मैं एक कामयाब एक्टर बन पाया। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।